आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो प्याज नहीं बढ़ा पाएंगे देश में महंगाई, सरकार ने बना लिया है ये प्लान। कुछ दिन पहले इस बात का अनुमान लगाया गया था कि प्याज का प्रोडक्शन कम हो सकता है और दूसरी ओर एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने के बाद प्याज की कीमतों में एक बार फिर उबाल आ गया है, जिसे देखते हुए सरकार की ओर से उपाय शुरू कर दिए गए। दरअसल सरकार ने बम्पर स्टॉक को अब जो है बाजार में उतारने की बात कही है। पूरे देश में 35 रुपए प्रति किलो के दर से जो है प्याज बेचने की बात सरकार की ओर से की गई है। दरअसल सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में प्याज की कीमत अभी औसत कीमत 58 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुकी है, जो कि पिछले महीने के आखिर दिनों में जो है 55 के आसपास थी। भाई पिछले 23 सितंबर को जो है प्याज की कीमत 38 रुपए प्रति किलोग्राम यहाँ पर थी। ये पिछले साल की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक साल में प्याज की कीमतों में जो है 53% का इजाफा देखने को मिल चुका है। वही सरकार ने हाल में जो है निर्यात शुल्क हटाए जाने के बाद खुदरा कीमतों में आए बदलाव को देखते हुए थोक बाजारों में बम्पर स्टॉक से बिक्री बढ़ाकर प्याज की कीमतों को कम करने का प्रयास किया दिया है। वही उपभोक्ता मामलों के सचिव जो है निधि खरे, उन्होंने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों के थोक बाजार में अपने बम्पर स्टॉक यानी भंडार से प्याज निकालना शुरू कर दिया है। सरकार की योजना देश में पूरे देश में सब्सिडी वाले प्याज की खुदरा बिक्री की है। वैकरे ने कहा कि निर्यात शुल्क के बाद हमें कीमतों में उछाल का अनुमान यहाँ पर था। हमारे 4.7 टन के बम्पर स्टॉक और खरीफ की बुआई के बड़े हुए रकबे जो है उसके साथ ही हमें जो है उम्मीद है कि प्याज की कीमतें कंट्रोल में रहेगी। बाजार को तय अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से। बड़ी खबर देखिए, सिंधे सरकार का बड़ा फैसला, पुणे एयरपोर्ट का नाम बदला, संत तुकाराम के नाम से जाना जाएगा यह हवाई अड्डा। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वो पुणे का जो लोह गांव एयरपोर्ट का नाम जो है बदलकर उसको जो है जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पुणे करने का फैसला किया गया है। चुनाव आयोग के महाराष्ट्र के दौरे से पहले जो है आज कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें यह अहम फैसला लिया गया। वही वारकरी समुदाय को जो है शिंदे सरकार ने यह बड़ा तोहफा जो है वो दिया है। वही एयरपोर्ट का नाम बदलने को लेकर बीते कई दिनों से काव्या चल रही थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एयरपोर्ट का नाम बदलकर वारकरी संप्रदाय के 17वीं शताब्दी के मराठी संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखने का प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी यहाँ पर दे दिया। इसके लिए एक शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रस्ताव लाने और मंजूरी के लिए भेजने की घोषणा की थी, जिसके बाद ये फैसला कल जो है वो लिया गया है। तो ये महाराष्ट्र से बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है। बाद में बताएं अगली बड़ी खबर की, तो आईफोन यूज करने वाले लोग हो जाए सावधान, सरकार ने दी है बड़ी चेतावनी, भूल कर भी ना करें ये काम। अगर आप आईफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। दरअसल बात यह है कि एप्पल आईओएस यूजर्स को सरकारी एजेंसी ने एक नई चेतावनी दी है। इस वार्निंग में कई जरूरी जानकारी दी गई है, जिसमें एप्पल प्रोडक्ट्स की सिक्योरिटी थ्रेट की बात भी कही गई। इसे जो है आईफोन मैक्स और एप्पल वॉच तक के यूजर्स के लिए जारी किया गया है। वह केंद्रीय मंत्रालय के साथ काम करने वाली CRTIANS डेटा सिक्योरिटी पर लगातार काम करती रहती है। वह एप्पल डिवाइस में बहुत सारी खामियां पाई गई है, खासकर पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन पर वर्क करने वाले एप्पल डिवाइस को अपडेट करने से बचना चाहिए, ये उनकी बात यहाँ पर कही है। वह CRTIANS ने चेतावनी देकर कहा कि इसकी मदद से हैकर्स यूजर्स की निजी जानकारी जो है उसको ले सकते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी जानकारी शामिल हो सकती है जो शेयर नहीं होनी चाहिए। वह सिक्योरिटी को लेकर अपनी चिंता भी जो है जाहिर की। ऐसे में यूजर्स को फोन अपडेट कराने के लिए कहा गया, हालांकि इसमें जो है पुराने iOS वर्जन का जिक्र किया गया है, जो यूजर्स के लिए काफी खतरनाक साबित होता है। वह नई चेतावनी के बारे में iOS वर्जन 17.7 पहले से ही लागू होती है। वह iPod और iPod OS की बात करें तो ये जो है यहाँ पर iPod iOS 17.7 पहले वाली होनी चाहिए। वह एप्पल वॉच को भी जो है चेतावनी के मिश्रुक से तय पर नहीं बताया गया है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर है सोना चांदी को लेकर बड़ी खबर। देखिए, साल अब तक 57% महंगा हुआ है सोना, दाम 77,000 के करीब। ग्लोबल मार्केट में बहुमूल्य यहाँ पर धातु जो है सोना, उसकी कीमतों में तेजी के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सराफा बाजार और राष्ट्रीय बाजार में सराफा बाजार में सोने के भाव जो है कल 700 रुपये चढ़कर 76,950 यानी करीब 77,000 के आसपास आ चुके हैं। और पिछले कारोबारी सत्र में बृहस्पतिवार को 99.9% सुत्ता वाला सोना जो है 76,500 के आसपास ये था, 76,350 के आसपास था प्रति 10 ग्राम प्रबंध हुआ। वही जो ओवेल्स होल्डिंग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो है CEO चिंतन मेहता, उन्होंने इस साल सोने की कीमतों में 27% की बढ़ोतरी की बात कही है।
अब तक का ये उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। मेहता ने यह भी कहा है कि भू राजनीतिक तनाव बढ़ने, खासकर पश्चिम एशिया में बड़े पैमाने पर युद्ध के जोखिम के कारण निवेश के विकल्प के रूप में सोने की मांग तेजी से बढ़ी है। इसका जो है यहाँ पर इसराइल और गाजा के युद्ध से भी संबंधित इसको यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसके कारण ये सब कुछ जानकारी यहाँ पर मतलब बढ़ोतरी जो है हुई है। वहीं स्थानीय बाजार में सोने कीमत में तेजी आभूषण विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की बढ़ती मांग के कारण है। देश में शादियों का सीजन शुरू होने वाला, ऐसे में सोने आयात रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। बढ़ती मांग के कारण सोने की कीमतों में तेजी बनी हुई है। वहीं वैश्विक संकट के कारण भी सोने की मांग बढ़ी हुई है, इसे भी कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहेगी। वैसे वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी तुरंत दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना इसी तरह की मिलती रहेगी।